हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। हम बात करते हैं कि कैसे मकर संक्रांति का पर्व लोगों के लिए और खुशहाल बने। देखिए, मकर संक्रांति जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व है। देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। विशिष्ट नक्षत्र संयोग होने पर इस अवसर पर प्रयागराज में कुंभ का आयोजन भी होता है। आज के इस समय में जब समाज में जातिवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता का बोलबाला काफ़ी हद तक अभी बना हुआ है, हम सबको मकर संक्रांति का यह पर्व एक नई प्रेरणा दे रहा है। यह प्रेरणा जैसे भगवान सूर्य अपना प्रकाश और अपनी ऊर्जा देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, ऐसे ही मकर संक्रांति का पर्व भी हमें यही प्रेरणा दे रहा है। ये धार्मिक खिचड़ी तो चढ़ गई है, लेकिन जो राजनीतिक खिचड़ी पक रही है उत्तर प्रदेश में, गठबंधन पर दो शब्द। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता किसी भ्रष्टाचारी गठबंधन को कभी मान्यता नहीं देगी। सत्ता स्वार्थ के लिए किए जा रहे इस प्रकार की कवायतें बुरी तरह फेल होंगी। जनता जानती है कि गठबंधन प्रदेश के अंदर अराजकता का, अव्यवस्था का, भ्रष्टाचार का और बेईमानी का एक मानक बना है। आने वाले समय में जनता इन्हें स्वयं सबक सिखाएगी। ये थे सीएम योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने ईटी भारत को भी शुभकामना दी। साथ ही साथ ये कहा कि जिस तरह से गठबंधन प्रदेश में बना है वो निश्चित रूप से सामाजिक हित में नहीं है, यह एक निजी स्वार्थ में बनाया गया गठबंधन है। मुकेश पांडे, ईटी भारत, गोरखपुर।